इज हॉट मराठी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, ब्रिज कोर्स 2021 दसवीं कक्षा हिंदी विषय में आज 21वें दिन आप जानने वाले हैं। क्षेत्र है श्रवण संभाषण मौखिक भाषा लेखन विकास, और उस क्षेत्र में जो अपेक्षित कौशल आप प्राप्त किए हैं उसकी रिवीजन के तौर पर यह डे 21 पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आकलन युक्त श्रवण करने वाले हैं और स्वमत अभिव्यक्ति सक्षमता से करेंगे और अपने विचार भावलिखित में अभिव्यक्त करेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं संकल्पना, उपयोजित लेखन की, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि हम विज्ञापन कहाँ कहाँ देखते हैं। तो विज्ञापन शब्द की रचना ही ऐसी है विद्यार्थी मित्रों कि वी उपसर्ग लगाने से हुई है, यानी ज्ञापन, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी देना। ज्ञापन का अर्थ क्या है? विशेष जानकारी देना, अर्थात किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित और लालायतित करना तथा उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमाना, उसका प्रमुख उद्देश्य है। आज जिधर भी देखो विज्ञापन किसी न किसी वस्तु का गुणगान करते नजर आते हैं। टेलीविजन के चैनलों पर या समाचार पत्र पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड और बस स्टैंड, दीवारें, मेट्रो, बस तथा वाहनों की दीवारें आदि पर विज्ञापन दिखाई देते हैं। अब फिल्मों में भी बीच बीच में इतने विज्ञापन आने लगे हैं कि पता नहीं चलता कि हम विज्ञापन देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं। यानी इनके अलावा कुछ विज्ञापन सरकारी एजेंसियों या लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रसारित किए जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि करना, राष्ट्रीय एकता की वृद्धि करना, यानी रोगों से बचाव करना, मद्यपान न करने संबंधी तथा समय समय पर मच्छर मलेरिया रोकने संबंधी विज्ञापन इसी कोटि में आते हैं। विज्ञापन लिखते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या जानकारी रखनी चाहिए, यह विज्ञापन लेखन हमें आना चाहिए, लेखन आना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो कम से कम शब्दों में विज्ञापन लिखना होगा। शब्दों में गागर से सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। गागर से सागर यानी लिखना संक्षेप में होना चाहिए, लेकिन उसका जो सरल अर्थ है वो बड़ा होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। एक शब्द बहुत कुछ बताता है, ऐसा होना चाहिए, यानी संक्षेप में लिखना चाहिए तथा भाषा सक्षम, रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उस विज्ञापन में हमने जो भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा में जो शब्द दिए जाते हैं वह कैसे होने चाहिए? रोचक तथा प्रभावपूर्ण होने चाहिए। विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर रहता है। विज्ञापन की भाषा में मुहावरों या सूक्तियों का प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों की तथा सूक्तियों का प्रयोग होने से समझ में आ जाती है। रंगीन, आकर्षक एवं बड़े चित्र को जगह अवश्य देनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण सबसे अलग एवं नवीन हो। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयोग वहां पर होना चाहिए, यानी मोबाइल कंपनी हो, कुछ दूरदर्शन टेलीविजन यानी टीवी संच की कंपनी हो, या कुछ भी इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जो चीजें हम लेते हैं वह बेचने वाली जो जो कंपनियां हैं
उनके विज्ञापन आप दिन टेलीविजन पर या अपने मोबाइल पर में या समाचार पत्रों और अखबारों में आप देखते हैं। तो अगर आपने मैंने जो कहा, आपने जो सुना, उसमें से जो जो खबरदारी अगर आप लेते हैं, तो एक अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से आप विज्ञापन लेखन करने की क्षमता आपको प्राप्त हो जाएगी। छात्रों देखिए, विज्ञापन लेखन की विशेषताओं की तरफ ध्यान को आकर्षित करेंगे। आप सभी ने कहा था, हमने अभी लिखा है, कम शब्दों में आशय व्यक्त होना चाहिए, आकर्षक शब्द रचना, शुद्ध भाषा तथा अर्थ सौष्ठव होना चाहिए। जिसका विज्ञापन करने जा रहे हैं उसका नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। उस विज्ञापन में रोचक शैली, अलंकारिकता और काव्यमयता एवं प्रभावी शब्द उपयोजन होना चाहिए। विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, वह उसमें होनी चाहिए। विज्ञापन में संपर्क ईमेल आईडी को आवश्यक है। विज्ञापन की रचना और शब्द मर्यादा की विशेषता बताइए। निम्नलिखित आधार पर हमें एक विज्ञापन लेखन करना है, जैसे बैंक एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है या विज्ञापन हमें देना है, तो इसके लिए जो प्रमुख उद्देश्य है कि शैक्षिक योग्यता क्या है, कालावधि कौन सा होना चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, उनकी सीमा क्या है, समय सीमा और संपर्क हेतु आप किसे संपर्क करिए, इस पर एक विज्ञापन लेखन आपको करना है। अपनी कृति पुस्तिका में, सेतु स्वाध्याय कृति पुस्तिका में विज्ञापन लेखन होना चाहिए इस विषय पर। आओ हम ज्ञात करेंगे कि विज्ञापन में पुनरावलोकन करने के लिए कहेंगे कि विश्व योग के दिन शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। विश्व योग दिन जो 19 जून को मनाया जाता है, 21 जून को उसी दिन मनाया जाता है, उसका विज्ञापन आपको तैयार करना है। या पुस्तक प्रदर्शन और बिक्री के बारे में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। इन दोनों में से एक को आपको सेतु स्वाध्याय पुस्तिका में विज्ञापन तैयार करना है। समाचार पत्रों में छपे विविध प्रकार के विज्ञापनों का संग्रह कीजिए। जो समाचार पत्र आते हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार के विज्ञापन हैं, जैसे राजकीय विज्ञापन, क्रीड़ा विषयक विज्ञापन या कुछ सामाजिक विज्ञापन, उस एक एक प्रकार के एक एक विज्ञापन को आपको काट छाट कर उसे संग्रहित कीजिए, संग्रह कीजिए। सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद के कुछ आकर्षक विज्ञापन अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखे। या विज्ञापन एक कला है, इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यह विज्ञापन लेखन कैसा करना है, इस विज्ञापन लेखन की और अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है रिवीजन के तौर पर, तो इसी चैनल पर विज्ञापन, हिंदी विज्ञापन लेखन यह ऑनलाइन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप देखिए और जानिए और इस विषय पर और अधिक विस्तृत से जानकारी ले सकते हैं। आप सभी ने यह ऑनलाइन अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।